अगर आप भोजपुरी की ताजा खबरों को देखना चाहते हो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह की बात की जाए तो कितना हाईफाई अभिनेता पवन सिंह का स्टारडम है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही देखते हैं अभिनेता पवन सिंह का स्टारडम कितना हाईफाई है। जहां भी अभिनेता पवन सिंह नजर आ जाए वहां हमें लाखों की भीड़ देखने को मिलती है। और आज हम आपको दिखाएंगे अभिनेता पवन सिंह की कार की पूरी तरीके से एक जबरदस्त फोटो, जी हाँ, जो शेयर की है अभिनेता पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह ने। आपको बता दें फोटो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो चुकी है, इसे सैकड़ों लोगों ने शेयर किया है क्योंकि अभिनेता पवन सिंह की कार है, अभिनेता पवन सिंह की सवारी है जिसे दर्शक बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं फोटो जहां पर अभिनेता पवन सिंह के भाई नजर आ रहे हैं इस कार में, वही अभिनेता पवन सिंह के गाड़ी का नंबर भी सामने आया है MH02EH9099। दोस्तों ये अभिनेता पवन सिंह की जबरदस्त कार है जिसकी कीमत तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार काफी बेहतरीन कार है, इस कार में हमें काफी फैशनलिटी देखने को मिलती है। दोस्तों अभिनेता पवन सिंह की कार आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। भोजपुरी फिल्मों की सुपरहिट अदाकारा नाम है अक्षरा सिंह, इस बार वो एक के बाद एक नया जबरदस्त गाना अपने फैंस के बीच ला रही हैं। आपको बता दें अक्षरा सिंह का हाल ही में गाना रिलीज हुआ था भाग जाए ससुरा से, जिसे दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और उस गाने को अब तक 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है। फिलहाल डीजे पर अक्षरा सिंह का गाना बज रहा है, दर्शक उस गाने को बहुत पसंद कर रहे हैं। अक्षरा सिंह का वो गाना सुपर डुपर हिट होने के बाद अक्षरा सिंह ने एक और नया बोल गाना रिलीज कर दिया। जी हाँ, गाने का नाम है देवघर जयबे बलम जी, ये गाना अक्षरा सिंह ने गाया है, बहुत प्यारा गाना है। दोस्तों सिर्फ 4 घंटे पहले इस गाने को रिलीज किया गया, 4 घंटे में 40,000 से ज्यादा लोगों ने इस गाने को सुन लिया। ये वीडियो गाना और काफी मजेदार गाना है जिस गाने को लिखा है भोजपुरी इंडस्ट्री के बेहतरीन राइटर मनोज मतलबी ने, इसका म्यूजिक कम्पोज किया है घुंगरू जी ने, काफी बेहतरीन गाना है, आप लोग जाके सुनिए आपको मजा आएगा। अक्षरा सिंह ने गाने में वाकई जबरदस्त परफॉर्म किया है, जाइए सुनिए और हमें फीडबैक जरूर दीजिए आपको ये गाना कैसा लगा। बे म्यूजिक चैनल पर इस गाने को रिलीज कर दिया गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव की फिल्म नागदेव के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिस फिल्म में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ काजल राघवानी, अवधेश मिश्रा जैसे बेहतरीन करेक्टरों ने काम किया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं नीलाब तिवारी, वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं देव सिंह। हमने आपको कुछ दिन पहले इसका लुक दिखाया था, उससे पहले एक इसका फर्स्ट लुक दिखाया था जो दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आया। खेसारी लाल यादव के इस लुक ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी थी, लेकिन दोस्तों एक और नया लुक सामने आया जिस लुक में खेसारी लाल यादव नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इस लुक में हमें साफ साफ दिख रहा है कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक नाक में नजर आ रहे हैं, वहीं पर काजल राघवानी सामने वाले नागपोश में नजर आ रही हैं, और वहीं अवधेश मिश्रा, देव सिंह और काफी बेहतरीन करेक्टर नजर आ रहे हैं। वहीं पर पोस्टर के साइड में काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का एक हॉट सीन है जो बारिश में शूट किया गया था। दोस्तों काफी अल्टीमेट, काफी बेहतरीन सीन है और ये पोस्टर काफी कुछ बयां कर रहा है फिल्म की, और ये पोस्टर को देख कर ऐसा लगता है कि फिल्म काफी मजेदार होने वाली है। और हर बार की तरह देव पांडे इस बार भी जबरदस्त कमाल करते नजर आएंगे। दोस्तों इस बड़ी फिल्म को लेकर आप क्या सोचते हो हमें बताना ना भूले कमेंट सेक्शन के जरिए। दूसरा पोस्टर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के बेहतरीन सिंगर और नायक माने जाते हैं, उन्होंने रक्षाबंधन के समय यानी रक्षाबंधन आने से पहले कुछ कह दिया है। जी हाँ, कुछ ऐसा कह दिया है जिससे वो फिर चर्चाओं में आ गए। उन्होंने भाई बहन के रिश्ते पर बड़ी बात कही है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि अगर आप किसी को बहन बनाओगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। दोस्तों हम आपका समय वेस्ट ना करते हुए आपको दिखाते हैं खेसारी लाल यादव ने आखिर क्या कहा। कि हर उस लड़की का बहन समझ के इज्जत करना, उसको भी इज्जत करोगे तो शायद इस दुनिया में राखी का त्योहार नहीं हो पाएगा। हर वो लड़की आपकी बहन की तरह, आपकी भी बहन मार्केट जाती है, आपकी भी बहन दुनिया में जाती है। हर उस लड़की को मेरे ग्रुप में बहन के सम्मान ही दिया जाता है। मैं बोलता हूं कि बहन ही बोलकर हर आदमी उस लड़की को गिफ्ट करेगा।
अगर बहन बना कर देखो इस धरती पे कितनी खुशी मिलती है भाई, ये कलाई राखियों से भर जाएगी, तुम इतने खुश हो जाओगे कि उसकी दुआ तुमको बहुत बड़ा बना देगी। इसलिए हर उस लड़की को बहन बनाओ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भाई और बहन के पवित्र रिश्ते पर क्या बोला। उन्होंने बहुत सी बातें कही। उन्होंने ये बता दिया कि भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। इस रिश्ते को हमेशा लोग बरकरार रख, किसी के साथ गलत करने से पहले ये सोचे कि हमारे घर में भी माँ बहन है। तो दोस्तों खेसारी लाल यादव की ये जबरदस्त स्पीच आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ और खेसारी लाल यादव, आए दिन इन तीनों में बॉक्स ऑफिस पर लड़ाई हमें देखने को मिलती ही रहती है। लेकिन हम बात करेंगे 2019 की तीन बड़ी फिल्मों के बारे में जो 2019 में रिलीज होंगी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ताबड़तोड़ कमाई करती है फिल्म में नजर आएंगी। पहली फिल्म है अभिनेता पवन सिंह की, नाम है फिल्म का सत्या रिटर्न, जिसे बॉक्स ऑफिस पर अपार सफलता मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी मात्रा में कमाल करेगी। ये फिल्म जबरदस्त होगी 2019। इस फिल्म के डायरेक्टर सुजीत कुमार, इस फिल्म के राइटर होंगे वीरू ठाकुर और इस फिल्म का बजट तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए होने वाला है। दूसरे नंबर पर है खेसारी लाल यादव की फिल्म अग्निपथ, जिस फिल्म में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ रवि किशन अहम रोल में नजर आएंगे। आपको बता दें सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की ये फिल्म काफी बड़ी फिल्म है। इस फिल्म को दर्शक बड़ी मात्रा में पसंद करेंगे ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। इस फिल्म का बजट भी तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ रुपए होने वाला। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ रवि किशन नजर आने वाले हैं। ये फिल्म काफी बड़ी फिल्म है, काफी बेहतरीन होगी, जिसमें खेसारी के साथ रवि किशन हमें नजर आने वाले हैं। तीसरी फिल्म का नाम है वीर योद्धा महाबली, जो 2019 तक रिलीज हो सकती है। इस फिल्म की बात की जाए तो दर्शक इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ का बाहुबली अवतार हमें देखने को मिलने वाला। इस फिल्म का डायरेक्टर है इकबाल बख्श और हैरान हो जाओगे अब, इस फिल्म का बजट 20 करोड़ है। भोजपुरी इंडस्ट्री की 5 फिल्मों के इतना इस फिल्म का बजट है और ये फिल्म 5 भाषाओं में बनाई जाएगी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और भोजपुरी। ये फिल्म काफी बड़ी फिल्म है। और आपके हिसाब से कौन 2018 में सबसे ज्यादा कमाई करेगी? आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कौन सी फिल्म होगी 2019 में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपना सुझाव जरूर दें।